अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, आपसे मुलाकात हो रही है और अब मुलाकातों का सिलसिला इंशाल्लाह ताला बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि हम पहले लाइव आपसे मुलाकात करते थे, हमारा आज का दिन है, जैसे मंडे और ट्यूसडे को हमारी मुलाकात होती है लाइव प्रोग्राम में। ब्लेस्ड फ्राइडे के हवाले से हमने एक नई ओपनिंग की, जिसका हमने वादा किया था जुम्मे वाले दिन आपसे लाइव मुलाकात होती है और ये सिलसिला चलता रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो बढ़ता भी रहेगा और आप हमें लाइव कॉल्स करके इसमें शामिल हो सकेंगे। आज भी ऐसा ही है, आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं और गुजारिश यही है कि जवाब जो आपके होता है, सिर्फ आपको ही नहीं और भी कॉलर लाइन में मौजूद होते हैं उनको भी चाहिए होता है, तो छोटा सवाल एक वक्त में एक सवाल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स शामिल हो सके। छोटी सी बात थी, इसके साथ आगाज़ करते हैं। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, वजीफा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं और एक मौजू जिसको हम डिस्कस करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में और वो आज होगा सुकून कल्ब के हवाले से, दिलों के सुकून के हवाले से, और वो किस में है इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दो नाच शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाता चलूं। अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविजन के दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं और वजह शोहरत अल्लाह ताला का पाक कलाम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो गैर हाजिरियाँ होती हैं लेकिन वो जस्ट फॉर अ चेंज करते हैं, मुझे लगता है ज़रूरत के तहत। अच्छा, ज़रूरत के तहत, ठीक है जी। इनके साथ आपका जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, आपके भी उस्तादों में से हैं। हमें अब जो मैसेजेस और कॉल्स मौसूल होती हैं उनमें बाकायदा उस्ताद मोहतरम मुफ्ती साहब का आ जाता है, तो सर को भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ठीक है जी। बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे लेकिन आगाज़ की जानिब बढ़ते हुए कारी साहब से गुजारिश है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم يا وَمَا ذَٰلِكَ
अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। सूरह फातिर की आयात 15 और 18 आपने 15 से 18 तक तलावत फरमाई, जिसमें जिक्र था कि अल्लाह ताला ही हकदार है हम्द और सना का, नमाज का जिक्र था, और फिर जिक्र था कि अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा और कोई आपके करीबी रिश्तेदार, कोई रिश्ता आपके उस वक्त काम नहीं आएगा। तो हमें अपना बोझ खुद उठाना है। बोझ क्या हमें लेके जाना है या हमें खुद सोचना चाहिए? बड़ी साहब जी बिस्मिल्लाह, खैरियत से आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह सर करने का काम आ गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निजामी भाई अभी जो कारसा में आयात तलावत फरमाई उसके शुरू में था कि ऐ सब लोगों, कोई माइनस वन टू थ्री नहीं है, कोई मुस्तस्ना नहीं। सबसे कहा या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकरा, ऐ दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों, तुम सब के सब फ़कीर मुख्ताज हो। वल्लाहु वल गनीयुल हमीद, और वो अल्लाह है जो बेपरवाह है, तारीफ़ों वाला है, गनी है। तो हम इंसान कमज़ोर भी हैं और अल्लाह की रहमतों के हर हर लम्हे मुख्ताज भी हैं। हमारे एक नादिर पैगाम टीवी के नादिर, हमारे चाहने वाले, वो फरमाते हैं जी मैं बिजनेस मैन हूँ, तो अल्लाह की बड़ी रहमतें और बरकतें थीं, उसी एक दुकान से पहले बहुत खूबसूरत घर बनाए, दो घर बनाए और फिर इस दुकान को भी वसी किया, लेकिन उसके बाद लगता है कि ऐसी नज़र लगी है कि हर चीज़ जवाल पजीर होती जा रही है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, पहले वाली बरकत नहीं रही। तो आज जो हम बता रहे हैं वो उसी का हल है कि आपकी नेमतों को हासिद की नज़र लग जाए तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, लग जाती है। आपने नई गाड़ी ली, नया घर बनाया, नया बिजनेस शुरू किया, अल्लाह ने खूबसूरत बच्चे दिए, तो इन सब को नज़र लग जाती है। तो उससे बचने का तरीका क्या है, वो है आज का वजीफा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रहा अहदुकुम फ़ी अखीहि औ नफ्सिहि औ मालिहि मा युजिबुहु फलयुबर्रिकहु फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन। जब तुम अपने भाई को देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लिबास पहना है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी में है, बड़ा खूबसूरत घर ले लिया है, या अपने ही देखो कि माशाल्लाह घर अल्लाह ने बहुत अच्छा दे दिया है, खूबसूरत गाड़ी भी दे दी है, बच्चे भी अल्लाह ने बड़े खूबसूरत दे दिए, हर नेमत मौजूद है, या आपको मालो दौलत अल्लाह दे रहा है, वाफर बरकतें आ रही हैं,
फल युबर्रिक हो तो फौरन बरकत की दुआ ज़रूर दे दें। अगर भाई की है तो उसको कहेंगे भाई अल्लाह आपको बरकतें दे और दे और दे, अल्लाह आपकी बरकतों में इजाफा फरमाए। और अगर अपनी कोई चीज़ है तो उसके बारे में भी खूबसूरत दुआ वो मैं अभी बताता हूँ। तो भाई की कुछ चीज़ देखें, नेमत देखें, तो उसको बरकत की दुआ दे दें, उससे नज़र नहीं लगेगी फिर। और आपने फरमाया नज़र का लग जाना हक है, लग जाती है। और कैसी लग जाती है? आप फरमाया इन्नल आइन युदखिलुर रजुल अलकबर व युदखिलुल जमल अलकिदर। खूबसूरत लंबा तड़ंगा जवान सेहतमंद आदमी, उसको नज़र लगे तो वो कब्र तक पहुँच जाता है। और बहुत मोटा ताज़ा पला हुआ ऊँट हो और उसको नज़र लग जाए तो वो हंडिया तक पहुँच जाता है। तो ये नज़र से बेशुमार कत्ल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कदा और कदर के बाद सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो नज़रें बस से होती हैं। तो इसलिए इनसे बचने का तरीका क्या है कि अगर अपने भाई की कोई चीज़ कोई नेमत आपको दिखाई दे तो फ़ौरन उसको बरकत की दुआ दे दें, आपकी नज़र नहीं लगेगी, किसी और की नज़र नहीं लगेगी, अल्लाह बचा लेगा। और अगर आपने कोई नई चीज़ ख़रीदी है, घर लिया है, गाड़ी ली है, कारोबार नया शुरू किया है, तो वहाँ पर आप दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबिलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रहा व शर्रमा जबिलतहा अलैहि। ये दुआ पढ़ लें, नई गाड़ी को पकड़ के हाथ रखें गाड़ी के ऊपर, घर के दरवाज़े के ऊपर रख लें, कुछ सवारी और ख़रीदी है, कुछ जानवर ख़रीदा है, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, बेटी दी है खूबसूरत, तो उसको गोद में लें और ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह इस नेमत को जो तूने मुझे अता की है इसकी खैर व बरकत का सवाल करता हूँ, और जिस पर आपने अल्लाह इसको पैदा किया उसकी भी खैर व बरकत मांगता हूँ, और अल्लाह इस नेमत के अंदर कोई दुख कोई परेशानी कोई नुकसान होने वाला हो तो अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। तो इससे वो नेमतें महफूज हो जाती हैं। तो भाई को भी दुआ देनी है बरकत की, और अगर अपनी नेमत है तो उसको भी इस तरह अल्लाह से रिक्वेस्ट करके दुआ करके अपने आप को फकीर शो करके अपनी नेमतों को महफूज कर ले। और बड़ी अहम बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हर तरफ नजर 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 का शोर है। बिल्कुल ठीक है। एक लाइव कॉलर है जो उनको शामिल करते हैं, मोहम्मद माविया साहब कमालिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम की हाल है जी? जी जी ताली को आवाले जी, ठीक हो जी? हजरत हजरत साहब ने लिखा दिया है कि अभी अगर चार नफर इशा की नमाज तो बाद पढ़ते हैं उसका सवाब है या लैलतुल कद्र के रात के बराबर? नहीं इस तरह नहीं कहा था, ये गलत फहमी है। मेरा सदाई दस्ते जी भी अगर करो निकल दे हैं दो नफर पढ़ते हैं तो फिर सारे क्या के दो नफर पढ़ दे हैं जी जी। इसके मुताबिक मैं बहुत ही तफसीला समझ नहीं सका थी क्या अब मैं पढ़ शुरू कर देते हैं जी जी। ठीक है बहुत शुक्रिया। और वो जो आपने कहा ना, आपने ठीक कहा कि आपको सही समझ नहीं लगी, अब हम दोबारा पूछ लेते हैं और वाजे कर देते हैं। आपने अच्छा किया कि आपने इसको शुरू कर दिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जी। वो हमने जो अर्ज की थी वो है कि चार नफल इशा की नमाज के बाद दो दो करके भी पढ़ सकते हैं, चार इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। तो वो जो मुसलसल पढ़े, इनका अहतमाम करे, बाकायदगी के साथ पढ़ता रहे, तो उन चार नवाफल का सवाब लैलतुल कदर के बराबर नहीं कहा, बल्कि इन चार नवाफल का सवाब लैलतुल कदर में पढ़े हुए चार नवाफल के बराबर होगा। ये ऐसे ही होगा जैसे आपने लैलतुल कदर पा ली और उसने आपने चार नफल पढ़े, तो चार का चार के बराबर, पूरी लैलतुल कदर के बराबर नहीं है। लैलतुल कदर की अपनी एक शान है, अपना मुकाम है, अल्लाह ने जो उसको रात को अता किया वो किसी और में नहीं है। तो ये इसका बाकायदगी के साथ एहतमाम करते हुए जो बंदा पढ़ता रहे तो इंशाल्लाह उनके चार नवाफल का सवाब लैलतुल कदर में पढ़े हुए चार नवाफल के बराबर हो जाएगा। और दो नफल जो घर से निकलते हुए पढ़ने हैं वो आम नवाफल हैं, वो आप इशराक की नीयत से पढ़ लें या अल्लाह की रहमत से वैसे ही आम नफल की नीयत से पढ़ लें, तो वो नफल हैं। नफल पढ़ के घर से निकल जाएं तो अल्लाह की खैर उसकी रहमतों की उम्मीद रखें, और वापस आकर पढ़ लें तो घर की खैर और बरकत के लिए वो शानदार तरीका होगा। एक चीज़ मेरे जहन में आ गई, अक्सर मैंने ये भी देखा सुना इशा की नमाज में चार फर्ज और तीन वितर पढ़ लिए जाते हैं और ठीक है पूरी नमाज नहीं पढ़ी जाती या पूरी जितने नवाफिल हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? इशा की जो नमाज हमारे यहाँ मशहूर है कि 17 रकात हैं तो वो मशहूर ही है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि बैन कुल अज़ानैनी अस्सला, अज़ान और इकामत के दरमियान नमाज है,
वो सहाबा कराम दो रकत पढ़ते थे, तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ लें या तहियतुल वुदू की नीयत से पढ़ लें या आम नीयत से दो नफल पढ़ लें, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नफल तो होते ही ज़ायद हैं, लेकिन दो पढ़ें तो ये भी सुन्नत है। और चार फर्जों के बाद दो सुन्नत मुअक्कदा हैं। ओके, उसके बाद आपके नवाफल और वितर हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ लें आप, ग्यारह रकात पढ़ लें, नौ पढ़ लें, सात पढ़ लें, पाँच या तीन, वो आपकी मर्जी पर है। ठीक, ठीक। तो ये टोटल नमाज है इशा की, कि चार फर्ज और दो सुन्नत मुअक्कदा और उसके बाद वितर। और अगर आप तहज्जुद की नीयत से ग्यारह रकात पूरी पढ़ें तो वो आपकी मर्जी पर मुश्तमिल है, लेकिन इशा की नमाज चार फर्ज, दो सुन्नत और तीन वितर या एक वितर या पाँच वितर के साथ मुकम्मल हो जाएगी। ठीक, ठीक है। पहला सवाल पूछा गया है, अगर एक औरत की जाती जायदाद में, जो कि उस औरत को विरासत में नहीं मिली बल्कि उसकी जाती कमाई से बनी हुई है, जायदाद में इस औरत की वफात के बाद कौन कौन वारिस होगा और कितने कितने हिस्से का वारिस होगा, जबकि इस औरत के वालिद, वालिदा और शौहर इंतकाल कर चुके हैं और इसकी तीन बेटियाँ हैं और इसके अलावा उसकी दो बहनें और एक भाई हयात है। ये भी बताइएगा कि जाती जायदाद में क्या क्या शामिल होगा, क्योंकि आम इस्तेमाल की चीज़ों का हिसाब तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। पहली बात तो ये जो उन्होंने फ़र्क किया है ना, जाती कमाई से बनी हुई प्रॉपर्टी और वरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी, तो शरीयत इसमें कोई फ़र्क नहीं करती है। आप जिस चीज़ के मालिक हो गए, ख्वा वो आपको वरासत में मिली है, ख्वा वो आपने खुद कमाई है, खा आपको कहीं से गिफ्ट मिला है, वो सब चीज़ें जो आपकी प्रॉपर्टी में हैं वो ही कल को विरासत बनेंगी। उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके लिबास, आपकी घड़ी, आपके जूते, हर चीज़ शामिल है। अब ये जो विरासत और उसमें फ़र्क किया, फ़र्क कोई नहीं है। वारस कौन है? जो मैयत के वफात के वक्त ज़िंदा मौजूद थे, जैसे इन्होंने कहा कि उनके शोहर भी फौत हो चुके, वालदैन भी नहीं हैं, बेटियां हैं और बहन भाई हैं, तो यही वारस हैं। तो किस किस चीज़ में वारस हैं? सब चीज़ों में वारस हैं। अब यूँ हमारे माशरे का उरूफ है कि उमूमन जूते और कपड़े इनको इग्नोर कर दिया, लाख लाख दो दो लाख का वो जुड़ा हो और घड़ियां हों महंगी से महंगी, तो क्या इसको शुमार नहीं करेंगे? फिर तो सबको कहेगा नहीं, ये घड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, फिर तो करेंगे। लेकिन अगर वो मामूली हैसियत के हैं, फिर अमूमन उनको इग्नोर कर दिया जाता है, गरीबों में बाँट दिए जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में उनकी हर हर चीज़ शुमार होगी। अलबत्ता अगर उनमें से एक वरसा नहीं लेना चाहते तो वो उनकी मर्ज़ी है। तकसीम कैसे होगा? दो बेटियां हैं तो अल्लाह ताला सूरह अन्निसा के अंदर फरमाते हैं कि अगर बेटियां दो या दो से ज़ायद हों तो उनको जायदाद में से टू थर्ड मिलेगा, जी वन थर्ड बाकी रह गया। तो वो जो दो बहनें और भाई हैं उनके अंदर लिज़ा करी मिसल हज़िल उनसाइन, कि मर्द को औरत से दुगना मिलेगा, यानी दो बहनें हैं और एक भाई है तो इसके टोटल चार हिस्से होंगे, दो भाई के और दो बहनों के एक एक, उर्स वन थर्ड में से, और टू थर्ड इनकी बेटियों का है। और इसमें तमाम चीज़ें काउंट होंगी, कपड़े, जूते, घड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़। तो उसको बांटते वक्त अगर वो हिस्सादार लेने वाले कहते हैं नहीं जी ये कपड़े जो हैं ये गरीबों में बांट दें, ये जूते जो हैं ये फलां को दे दें, तो ये उनकी मर्ज़ी है। और अगर वो उसको भी तकसीम करना चाहें तो वो बिल्कुल प्रॉपर्टी में तकसीम होंगे। ठीक है, एक लाइव कॉलर में शामिल करते हैं, आमना साहिबा है गोजा वाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल करने का शुक्रिया, पूछिए क्या पूछेंगी आप? मेरा मुख्य साहब से ये सवाल है कि ना मुझे कुकरियां बच्चों से बहुत ज्यादा आते हैं, मैं पर तक सवाल भी करती हूं, अल्लाह से भी माफी मांगती हूं, लेकिन मेरे वो खत्म नहीं होते, वो मेरे दिमाग में चीज बैठ गई, मैं कुछ भी अपना डेली लाइफ में उसे काम करूँ पहली बात तो यह है कि इस तरह के बुरे बुरे ख्यालात आना ये ईमान के होने की अलामत है। सबसे पहली बात, पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ईमान मौजूद है जिस पर हमला आवर हो रहा है शैतान। शैतान वार कर रहा है। तो ऐसे कुछ ख्यालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को भी आते थे और उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे ख्यालात ज़हन में आते हैं कि जो ज़ुबान पर लाते हुए भी डर लगता है। तो आपने पूछा वाकई ऐसे होते हैं? हाँ, उन्होंने कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल, बड़े ख़तरनाक ख्याल आते हैं। तो आपने फरमाया ये तो ईमान है, ये तो पक्का खालिस ईमान है जिसकी वजह से शैतान परेशान है और वो आके रंग बिरंगे ख्याल डालता है। तो इनका हल क्या है?
हाल ये है कि जैसे ही ये बुरा ख्याल आए, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, अगर ये पूरी दुआ याद ना हो सके तो اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ऐ अल्लाह शैतान मर्दूद से मैं तेरी पनाह में आता हूँ. ये पढ़ के तो अपनी बाएं जानब इस तरह थुतकार दें तो वो बुरे ख्याल डालने वाला शैतान दफ़ा दूर हो जाएगा और ख्याल दूर हो जाएंगे. जितनी बार ये ख्याल आएँ उतनी बार ही अल्लाह से पनाह मांग लें, और उसके अलावा थोड़ा सा अपना जायज़ा भी लें कि कहीं कोई ऐसा कोई टीवी ड्रामा सीरियल कोई फिल्म कोई ऐसी चीज़ तो अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी कि जिसकी वजह से आप ये बुरे ख्याल आ रहे हैं. अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी रिप्लेस करें, कुरान की तलावत करें, कुरान की तफसीर पढ़ें और अल्लाह के नबी के फरामीन पढ़ें. तो अपने वक़्त को इन बुरे ख्याल भजाने के लिए तालीमात नबवी की तरफ ले आएँ. सर बड़ा प्यारा नुस्खा बताया जी मेरा, और माशाल्लाह. तो जैसे जैसे आप इस तरफ, पहले तो वो शैतान आने नहीं देगा. पहली बात तो ये है कि अगर बुरे ख्याल बड़े कवि हो चुके हों तो शैतान कह गए लो ये तुम किस तरफ आ गए, सर में दर्द होगा कभी कुछ कभी कुछ. लेकिन अब जब शुरू कर दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान दूर होता जाएगा और अल्लाह की रहमत आनी शुरू हो जाएगी. अल्लाह का वादा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो. तो दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान की तलावत करें, तस्बीहात करें और शैतानी वसवसा दौर पकड़ने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक इंशाल्लाह ठीक हो जाए. जैसे अच्छा मेरे कारी साहब को देखे बड़े पुरसकून रहते हैं. हाँ जी, कारी साहब क्या कहते बस करते रहते हैं माशाल्लाह. अल्लाह के साथ लौ लगाई हो तो सुकून ही सुकून है माशाल्लाह. बल्कि आज ही अभी हम वार्डरोब में थे तो अशफाक साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो यही जिक्र कर रहे थे कि ब्लेस्ड लोग हैं ये, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है. लेकिन ये वो लोग हैं जो माशरे में हमें कुरान उनके सीनों में है, ज़हनों में है, ज़ुबानों पे है, तो बहरहाल हमसे तो बेहतर ही है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं शहबाज साहब कमालिया से. अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी जी दुआएं आपकी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. बताइए क्या पूछेंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ना बच्चा है 9 साल का. जी, बड़ा बेटा मेरा. जी, तो वो उसका नाम मोहम्मद शबे है और डरता बहुत है अपने कमरे से जाने में, अंदर जाने में भी डरता है और भी कहीं जाए तो डर जाता है, बाहर भी निकलता है जल्दी. आपने पूछा किस चीज से डरता है, क्या डर है बच्चे को? पता नहीं, वो खौफता है, खौफता है ना, बहुत छोटा सा उसका दिल है, ऐसे लगता है कोई वैसे भी डांट मारो तो उसका पेशाब निकल जाता है. अल्लाह अकबर. सख्ती भी तो नहीं करते अपने बच्चे पे? नहीं सख्ती वगैरह तो नहीं. अच्छा चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके. अभी नरम दिल होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सख्त दिल होना ये अल्लाह की रहमत से महरूमी की दलील है. तो बच्चा है लेकिन 9 साल का समझदार बच्चा है माशाल्लाह, तो उसको दुआएं याद कराएं. सुबह के टाइम उठते ही उस बच्चे को ये दुआ याद करा दें, वो 3 दफ़ा पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ सुबह कर रहा हूँ, ज़मीन व आसमान की कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुँचा सकती और वो अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला. ये दुआ 3 दफ़ा बच्चा खुद पढ़ ले और शाम को भी 3 दफ़ा पढ़ ले, हर चीज़ का डर ख़त्म हो जाएगा. इसके अलावा माशाल्लाह बच्चा समझदार हो गया, उसको आयतुल कुर्सी सिखाएं, उसको आखिरी 3 कुल सिखाएं और वो सुबह शाम 3-3 बार पढ़ के तो अपने जिस्म के ऊपर खुद ही दम कर ले. और जब तक वो खुद नहीं कर पा रहा तो वालदैन ये चीज़ें पढ़ के अपने हाथों के ऊपर फूंक मारें और उसके जिस्म के ऊपर पूरी तरह मल दें, सर से लेकर पांव तक सुबह शाम दम कर दें, इंशाल्लाह डर खत्म हो जाएगा. ठीक है, मैं एक चीज़ फिर भी ऐड करना चाहूँगा. नॉर्मली ये एक्सपीरियंस में आती है सर बातें कि जिन बच्चों पे सख्ती ज्यादा होती है यानी खुद माएं डराती हैं, माएं वालिद या कोई बहू आ जाए अगर ये तो सो जो, हाँ तो वो डर बैठ जाता है. पता नहीं बहू क्या बहू है ये, वो बच्चा ही बेचारा वो बहू नहीं बन पाता. वो बच्चा जब वो खौफ उसके ज़हन में बैठ जाता है ना तो फिर वो हर चीज से डरने लगा. और इसके साथ साथ बच्चे को सख्ती से मत पुकारे, सख्ती जिस वक्त जरूरत हो तब करें लेकिन एक हद में रहते हर वक्त बच्चे को ऐसे उस खौफ बिठा दें, खौफ बैठ जाएगा वो दिल जो है बहुत ज्यादा. तो बच्चे को मोहब्बत के साथ खुद इत्मादी दें, उसको वो दुआ याद करा जी. बस जब उसको ये दुआ याद करा देंगे और उसका तर्जमा भी याद करवा देंगे तो वो खुद ब खुद बहादुर हो जाएगा इंशाल्लाह. बल्कि मैं कहूंगा ये वालिदैन खुद भी ये दुआ पढ़े ताकि इनको खुद भी ये समझ लगे कि हम बच्चे के साथ असल में. घरों के अंदर उमूमन रूटीन ये है कि शाम का वक्त हो तो बच्चे को दरवाजे तक ना 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 बाहर ना जाना,
तो ये खौफ हम वालदैन खुद दिनों में बिठाते हैं जी। अगर हम उनको खुद इत्मादी दें उन पर एतबार का, बेटा कुछ भी नहीं होता, जाओ देखो दरवाजा बैल हुई है कौन है, तुम जाओ सबसे छोटे को भेजे, एतमाद वो सारी रिपोर्ट लेकर आएगा और बड़े फख्र से बताएगा कि फलां अंकल आए हैं बाहर, तो ये बच्चा कभी भी नहीं डरेगा। और अगर आप ना 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 अंधेरा है तुम नहीं जाओगे, पापा को बताओ वो जाएगा, चचू को बताओ वो जाएगा, तो ये बच्चा सहम जाएगा, डर जाएगा। और अगर वह सो नहीं रहे तो बजाय इसके कि मोहब्बत से प्यार से दुआएं पढ़ते हुए उनको दम करते हुए आप खुद सुलाएं, आप उनको सो जो वगरना फिर वो आ जाएगी वो कोई चड़ेल से डरा रहा है, कोई बहू से डरा रहा है, तो बच्चों को डरा डरा के ये हम जेन में खुद बिठाते हैं, वो रीजन ढूंढे, तो वो खुद आप उनको मोहब्बत से खुद इत्मादी दें तो वो खुद इत्मादी बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह ताला। मोबाइल से भी मना करें, मोबाइल ना दें जी, मोबाइल ये तो सर आपने बहुत आप बड़ी बात कही है, इसके बगैर तो फिर यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, एक सवाल है जो शामिल करते हैं, अगर तयम्मुम करे और नमाज के बाद उसे महसूस हो कि उसके चेहरे पर धूल है तो क्या वो अपना चेहरा धो सकता है? पहली बात तो ये है कि तयम्मुम करने की इजाजत ही उस वक्त है जब पानी मौजूद ना हो जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फलम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा, कि अगर आपने नमाज पढ़नी है, आपने कज़ाए हाजत की थी, आपने वुदू टूट गया था, वुदू करना है, पानी ना हो तो पाकीदा मिट्टी से तयम्मम कर लें, और अगर पानी वहाँ मौजूद है तो फिर तो तयम्मम की इजाज़त ही नहीं है। और अगर उस वक्त पानी नहीं था जब आपने नमाज पढ़ी और फिर पानी आ गया, तो कुछ फुकहा तो कहते हैं कि अगर नमाज के अंदर अंदर नमाज का टाइम अभी बाकी था और पानी दोबारा मिल गया है तो ये वुदू करके नमाज दोबारा पढ़ ले, लेकिन अगर दोबारा नहीं भी पढ़ते और पानी आ गया है और चेहरे पर धूल महसूस होती है तो धोने में तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर पानी पहले से मौजूद था और आपने कहा नहीं जी ठंडा बहुत है और आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और बाद में जब धूल महसूस हुई तो आप कहते हैं जी धो लें, तो फिर अगर पानी मौजूद हो तो तयम्मुम कतन जायज़ नहीं है। ठीक है सर, आगे सवाल पूछा गया, वजू के दौरान मसवाक कर सकते हैं, मसनून तरीका क्या है? सुभान अल्लाह, मिसवाक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल था, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप घर आते तो मिसवाक करते हुए तशरीफ़ लाते, सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ल वुज़ूइन, अगर मुझे ये खदशा ना हो कि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आपकी रहमत देखें कि उम्मत का हर हाल में ख्याल है। फरमाया अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर वुदू के साथ मिसवाक करो, और एक रवायत में है इंदा कुल सलातिन, हर नमाज के वक्त वुदू करें, मिसवाक करें, तो हर नमाज के साथ या हर वुदू के साथ मिसवाक का मैं हुक्म दे देता अगर उम्मत के लिए मुश्किल होने का डर ना होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उस्वा यह है कि आप वुदू के साथ मिसवाक किया करते थे, तो अब वो आपने जैसे ही कुल्ली की तो कुल्ली के साथ ही आप मिसवाक कर लें, आप वुदू से पहले कर लें मिसवाक और बाद में वुदू शुरू करें तो भी ठीक है, वुदू कर लें और बाद में मिसवाक कर लें तो भी ठीक है, मिसवाक करनी है वुदू के साथ, पहले कर लें बाद में कर लें दरमियान में कर लें जी। और उसके अलावा जब नमाज शुरू करें मिसवाक पाकीज़ा आपके पास हो, रखने के लिए मौजूद जेब में जगह मौजूद हो, तो दांतों के ऊपर हल्का सा फेर लें तो भी जायज़ है। तो मिसवाक मुँह की सफाई और अल्लाह की रज़ा का सबब है, तो इसको आप वुदू से पहले, वुदू के साथ, वुदू के बाद, नमाज से पहले पहले जब चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आज सर आगे क्वेश्चन है कि किसी बीमारी के सबब स्पर्म्स के कतरे निकलते हैं तो क्या इसमें गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? जी हाँ बिल्कुल हो जाता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माशाल्लाह बहादुर जवान ताकतवर आदमी थे, तो वो कहते थे मेरी मज़ी, मज़ी और मनी में फ़र्क है, मज़ी गाढ़ा मादा है और मज़ी एक लेसदार पतला मादा है जो पेशाब के साथ पहले या बाद में उमूमन निकल जाता है। तो वो कहते मैं ताकतवर आदमी था और मेरे अक्सर ये मज़ी के कतरे निकल जाते और मैं गुसल करता, हर बार गुसल करता, पता नहीं कितनी कितनी बार दिन में। तो कहते मेरी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया, और अब शर्म के हया की वजह से अल्लाह के नबी से डायरेक्ट पूछते भी नहीं हैं। तो फिर अपने दोस्त हज़रत मिकदाद से कहा, मिकदाद यार तुम पूछ दो। तो अल्लाह के नबी से मसला पूछा गया कि क्या मज़ी निकलने से वुदू टूटता है कि गुसल करना पड़ेगा? तो आपने फरमाया फिल मज़ी अल वुदू व फिल मनी अल गुसल, अगर मनी का कतरा निकले जो गाढ़ा और लेसदार होता है तो फिर गुसल करना पड़ेगा, और अगर बारीक पतला लेसदार मादा निकले कतरा कतरा तो उस पर सिर्फ वुदू है, उसके साथ गुसल नहीं है। ठीक,
سر آگے پوچھا گیا میت کو غسل دینے کا طریقہ ذرا تفصیل سے بیان کریں. اللہ اکبر, یہ بھی بڑی مشکل ہے. یس جی, کچھ لوگ میت کو غسل دینے سے ڈرتے ہیں جی, اور اکثر کو طریقے کا ہی پتہ نہیں ہوتا. تو میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے پیٹ کو دبائیں, پہلے تو میت کے اوپر اس کا چہرہ ننگا ہو, اگر خاتون ہے تو بے شک وہ بھی ڈھانپ دیں, خواتین غسل دے رہی ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پیٹ کو دبا کر اگر کوئی چیز نکل رہی ہو تو پہلے تو اس کی صفائی کریں, جس کو ہم استنجا کرانا کہہ سکتے ہیں, استنجا کرا دیں. اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے جو وضو کرنے کا ہے, وضو کے اعضاء اس کے دھوئیں گے, یعنی پہلے ہاتھ, پھر اگر منہ میں پانی جانے سے میت کے خراب ہونے کا, لاش کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو ہلکی سی کسی کپڑے کے ٹکڑے سے یا روئی سے اس کے دانتوں کے اوپر پھیریں, ناک کی صفائی کر دیں, بالکل وہی جو کلی کرنی ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, پھر چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے, پھر بازو دھونے ہیں, پھر مسا کرانا ہے, پھر پاؤں دھونے ہیں, اور اس کے بعد میت کے سر کے اوپر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملیں. جب دیکھیں کہ سر اچھی طرح صاف ہو گیا ہے پھر اس کے دائیں سائڈ پہ پانی بہا دیں اور پھر بائیں سائڈ پہ بہا دیں. اور اگر آپ نے صابن سے غسل دینا ہے جی, سنت تو یہ ہے کہ آپ بیری کے پتے ڈال کے پانی کو ابال لیں, وہ بھی ایک بہترین قسم کا شیمپو بن جاتا ہے, اس سے بھی میل کچل خوب اترتی ہے, وہ بنا لیں. اور اگر بیری کے پتے شہروں میں میسر نہیں ہوتے, ڈھونڈنے پڑتے ہیں, صابن بھی کام دے سکتا ہے. اور اگر صابن لگانا ہے تو پھر وہی طریقہ ہے کہ دائیں سائڈ والے اعضاء جو ہیں وہ پہلے دھوئیں جی, اور بائیں سائڈ والے بعد میں دھوئیں, اور پورے جسم پر پانی بہا دیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, تو طاق عدد میں 1 3 5. آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ نے غسل دیا ہے تو ابھی میل باقی ہے, تو 3 دفعہ کر لیں یا 5 دفعہ کر لیں. تو یہ غسل کا طریقہ ہے, وہی غسل جو زندہ آدمی کا نہانے کا طریقہ ہے, وہی میت کو طریقہ ہے غسل دینے کا, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں کوشچن ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے ابھی ہم ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ ڈرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے میت کو, یہ وہی باپ بھائی بہن بیٹا یا ماں ہوتے ہیں جن سے آپ کی محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, پھر انہی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اسلامی تعلیمات موجود ہوں تو بیٹا آگے بڑھ کر اپنے والد کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو غسل دے, بیٹی بہن وہ اپنے عزیزوں کو, والدہ کو, بہن کو, خالہ کو, پھوپھو کو وہ غسل دے. بدقسمتی یہ ہے, ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. غسل کا طریقہ نہیں آتا تو پھر وہ شرمندگی بھی ہے اور ڈر بھی ہے, دونوں ہیں. اور اگر اسلامی تعلیمات کا پہلے سے پتہ ہو تو پھر شوق ہوگا کہ مجھے اس کا اجر بھی ملنا ہے اور مرنے والے سے محبت کا اظہار بھی ہے. اور اگر اسلامی تعلیمات نہ ہوں تو پھر لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, بیٹے کو کہو آؤ اپنے والد کو, وہ پاس بھی کھڑا ہونا نہیں پسند کرتے, وہ ڈر لگتا ہے, ڈر نہیں لگتا, شرمندہ ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے والد کو غسل دے رہے ہیں اور جو سکا بیٹا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, طریقہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سر آگے کوسچن ہے, بچہ 1 سال کا ہے, ماں پھر سے امید سے ہے, کیا اب پہلے بچے کو دودھ چھڑوا دیا جائے گا یا پھر دودھ پیتا رہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت نے بہت خوبصورت تعلیمات کے ساتھ ساتھ سہولت بھی دی ہے جی. اصل یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, اللہ کا حکم ہے کہ والد اگر چاہے کہ بچہ اس کا 2 سال دودھ پیے تو یہ مکمل مدت ہے رضاعت کی. یہ وہ اس وقت ہے جب بچے کی خوراک دودھ بنتا ہے جی, اس کی ہڈیاں نشوونما ہوتی ہیں, اس کا جسم بڑھتا پھولتا ہے دودھ کے ساتھ. 2 سال کے بعد جب وہ کیلا بھی کھا رہا ہے اور فروٹ کے ساتھ ساتھ روٹی بھی کھا رہا ہے, کیک بھی کھا رہا ہے, تو پھر اکیلا دودھ اس کی نشوونما کا سبب نہیں رہ جاتا. تو 2 سال تک تو ہے کہ اس کو پلایا جائے جی, لیکن آگے سہولت بھی ہے کہ اگر والدین آپس میں مشورہ کر لیں کہ بچہ اب بڑا ہو رہا ہے, اب یہ کھا رہا ہے, کیلے بھی کھا رہا ہے, سیب بھی کھا رہا ہے, کیک بھی کھا رہا ہے, اور ابھی 1 سال کا ہے, ماشاءاللہ ہیلدی ہے, اور اس کو اب مزید دودھ کی ضرورت نہیں, دونوں میاں بیوی مشورے سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو 1 سال کے بعد بھی چھڑا سکتے ہیں, 1.5 سال کے بعد بھی چھڑا سکتے ہیں. اور اگر ماشاءاللہ والدہ صحت مند ہے, والدہ کہتی ہے میں تو اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی, اگرچہ دوسرے بچے کی آمد بھی متوقع ہے اور والدہ ابھی صحت مند ہے دودھ پلا سکتی ہے, تو وہ پہلے بیٹے کو بھی پلائے رہے, پلاتی رہے. بلکہ میں نے تو ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھی, ایک ماں کا انٹرویو تھا, وہ کہتی میرے 3 بچے ہیں اور تینوں دودھ پیتے ہیں, پہلا بھی پی رہا ہے, دوسرا جو 2 سال کا ہے, تیسرا جو 3 سال کا ہے, تینوں پی رہے ہیں اور ماں صحت مند ہے, وہ پلا رہی ہے.
और डॉक्टर तिब्बी तिब्स जो है वो साइंस जो है वो आपकी साबित कर चुकी है कि जो सेहतमंद विटामिन माँ के दूध में हैं वो किसी और चीज़ में बच्चे को नहीं मिलते हैं। तो दो साल के बाद भी अगर माँ दूध पिलाना चाहे, उसकी सेहत इजाज़त देती है, वो पिलाती रहे, और अगर वो दो साल से पहले ख़त्म कराना चाहें तो अपनी रजामंदी से ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर, आगे पूछा गया, अगर जानवर बीमार हो जाए और शक हो कि किसी की नज़र लग गई है तो क्या जानवर को भी दम किया जा सकता है? और इसी तरह जानवर अगर बीमार हो जाए तो उसे बतौर सदका ज़बह करके बांट देना क्या जायज़ है? पहला तो वही जो आज हमने शुरू में दुआ बताई जी, कि अपने मुसलमान भाई का माल, उसकी जान, उसकी कोई नेमत आप देखें तो उसको बरकत की दुआ दें जी। और जानवरों को, पौधों को दम करने की रिवायात भी मौजूद है, ये भी मुतासर होती हैं। आप ज़रा थोड़ा सा अपने जहन को पीछे लेके जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर बनवाया तो वो खजूर का तना, जिसको बज़ाहर बेजान कहते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप टेक लगा के जुमे को खुतबा देते थे जी। वो बच्चों की तरह बिलबिला के रोया, और आप नीचे उतर कर उसको गले लगाते हैं, थपकियाँ देते हैं, तो वो बच्चे की तरह हिचकियाँ लेते हुए चुप होता है। और आपने फरमाया अगर मैं इसको चुप नहीं कराता तो ये ता क़यामत रोता रहता। तो इसका मतलब है जिनको हम कहते हैं ना जमादात, नबातात, ये भी मुतासर होती हैं, दम का असर इन पर भी होता है। और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छोटे थे, बीमार थे, तो उनकी खाला लेकर आईं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से अपना दस्त मुबारक उनके सर पर रखा और दम किया। तो अब वो उन्होंने क्या किया, जब बड़े हो गए ना तो उनके पास कुछ जानवर लाया जाता जो बीमार होता, कोई दूध देने वाला जानवर जिसके पिस्तान पर वर्म हो गया, दूध नहीं दे रहा, वो लाया जाता, तो वो क्या करते, अपना हाथ रखते और कहते अल्लाह ये वो जगह है जहाँ तेरे मुबारक नबी का मुबारक दस्त रखा गया था, अल्ला तो अल्लाह इस चीज़ को शिफा दे दे, तो वो वहीं से हाथ फेर के तो उस जानवर पर हाथ रख के दम करते तो उसको अल्लाह ताला शिफा दे देते। तो इससे पता चलता है कि जानवरों को भी दम किया जा सकता है। इसी तरह आपने खूबसूरत पौधे लगाए हैं, वो मुरझा गए हैं, नहीं फल फूल रहे, तो उनको भी दम किया जा सकता है। वही नज़रबंद का दम जो है बच्चों को करें, जानवरों को करें, पौधों को करें, किया जा सकता है। और ज़िबा करके अगर सदका किया जाए, अगर आप समझते हैं मतलब उसको चोट लग गई है, एक तो है ना कि वो ऐसी किसी मुहलक बीमारी में है जो गोश्त को भी मुदरे सेहत बना देता है, तो फिर तो लोगों को ना खिलाएं। लेकिन अगर उसको कोई ऐसी चोट लग गई है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे गोश्त ख़राब नहीं हुआ लेकिन वो बेचारा अजियत में है जानवर, और आप उसको ज़िबा कर लेते हैं और लोगों में बांट देते हैं, खुद भी खाएं लोगों को भी बांट दें, बिल्कुल जायज़ सदका है। ठीक है ले सर, इसके साथ ही जितने क्वेश्चन थे आज वाले हमने तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए, जो रह गए नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, अहमद यार अकानी साहब सर, आप तशरीफ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ले जी प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।